हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले हमने इससे पहले टेट्रापोडा स्टार्ट कर लिया था प्रीवियस क्लास में, और उसमें हमने सबसे पहली क्लास पढ़ी थी। टेट्रापोडा खुद एक क्या है, सुपर क्लास है, और उस सुपर क्लास के अंदर चार क्लासेस आती हैं। कौन सी है? फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी एम्फीबिया। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रेप्टिलिया के बारे में। रेप्टिलिया दैट इज क्या है, ये एक मीनिंग है, ये एक लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या है, क्रॉल और क्रीपिंग। यानी कि ऐसे एनिमल्स थे जो कि क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रीपिंग करते हैं। राइट नाउ इनका जो ओरिजिन है वो कार्बोनिफेरस पीरियड है। यानी कि अगर हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर कि ये इनका ओरिजिन कब हुआ था, किस टाइम पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब है कि जब ओरिजिन हुआ था लाइफ का, तब से लेकर के अब तक के टाइम को हमने कुछ एरास के अंदर डिवाइड किया है। एरा बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो उस एरा को भी हमने क्या करा है, पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है। तो यहाँ पर कार्बोनिफेरस पीरियड और एरा कौन सा था, पेलियोजोइक एरा था। ठीक है, और इसका जो गोल्डन पीरियड था, यानी कि ओरिजिन तो ये तब हुआ था, लेकिन इसकी स्पीशीज सबसे ज्यादा कब देखे गए, गोल्डन पीरियड हम उसी को ही कहेंगे। ठीक है, मीजोजोइक एरा। ठीक है, अब देखो, दीज आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये क्या है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो एनिमल्स थे वो सारे कैसे थे, एक्वाटिक थे। जनरली एम्फीबियन खुद एक एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल पे भी रहता था, बट दीज आर द कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है यानी कि इनकी जो स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, कवर्ड बाय द कॉर्निफाइड स्केल्स और उस एपिडर्मल, इनको हम कहते हैं एपिडर्मल स्केल्स भी कहते हैं। सो एपिडर्मल स्केल्स, कभी स्नेक देखा है आपने अपने आसपास, कुछ एक एनिमल्स तो देखे ही होंगे जैसे कि स्नेक, है ना। स्नेक तो हम वैसे नेचुरली नहीं देखा हो, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ हो, बट टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, मूवीज सीरियल्स के अंदर आपने देखा होगा, है ना। जो उसमें उसके उसके स्किन पर क्या लगे हुए रहते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं, स्नेक्स पर क्या लगे हुए रहते हैं, स्किन एक स्केल्स लगे हुए रहते हैं, ऐसे कुछ स्केल्स होते हैं, और बहुत ही पास से लगे हुए रहते हैं, ड्राई स्केल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एपिडर्मल स्केल्स। ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि सभी रेप्टिलियंस के अंदर स्केल्स मिलते हों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इनके पास, इनके बॉडी पर, इन एनिमल्स के पास टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बट सम लिजर्ड और स्नेक डोंट हैव लिम्ब्स। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी रेप्टिलियंस एनिमल के अंदर टू पेयर ऑफ लिम्ब्स प्रेजेंट हो, जैसे कि सम लिजर्ड। लिजर्ड जो आपने देखी है घर के अंदर, जिसको हम वॉल लिजर्ड कहते हैं, उसका नाम है हेमीडेक्टाइलस। वो हेमीडेक्टाइलस तो क्या है, उसके पास तो लिम्ब भी है, उसके पास टेल भी है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लिजर्ड हैं, सम लिजर्ड एंड कुछ लिजर्ड्स हैं और स्नेक्स के पास doesn't have limbs, उनके पास limbs नहीं होते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर इनका जो हार्ट होता है, बहुत स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ रहे हैं जो कि अलग होते हैं। हर एक क्लास के अलग अलग फीचर्स होते हैं जो कि सेम नहीं होते हैं, अगर सेम होंगे तो वो एक ही क्लास के अंदर आ जाएंगे। सो यहाँ पर एम्फीबिया के अंदर हमने कितना देखे थे, हार्ट कितना था, कितना चैम्बर था, यहाँ पर हार्ट जो है वो 3-chambered हार्ट है, यहां पर है 3-chambered। यहां पर क्या है, 3-chambered हार्ट इनके पास प्रेजेंट होता है रेप्टिलियंस के पास, बट इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास 4-chambered हार्ट होता है।
कितना होता है? फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। देखो रैप्टिलिया के अंदर जनरली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और थ्री चैम्बर्ड हार्ट के अंदर भी टू ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। आ रही बात समझ में? और लेकिन क्रोकोडाइल्स के अंदर क्या होता है, क्रोकोडाइल एज वेल एज एलिगेटर्स के अंदर क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि जो एक वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल जो है, वन वेंट्रिकल जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो डिवाइड होने लग जाता है, डिवाइड हो जाता है टू के अंदर। एक वेंट्रिकल था उसमें सेप्टा बन जाता है और ये टू वेंट्रिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये एनिमल्स जो हैं ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब ये जो रेप्टाइल्स हैं इनके हार्ट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके जो सेक्सेस हैं दे आर सेपरेटेड होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेक्सेस सेपरेटेड हैं तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसा होता है, इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है। कुछ रैप्टिलियंस के अंदर ये क्या होते हैं, वीवी पेरस भी होते हैं। रैप्टिलियंस क्या होते हैं? वीवी पेरस, ओवी पेरस, नहीं सॉरी ओवी पेरस। क्या होते हैं? ओवी पेरस भी होते हैं। अब इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा कीलोन। कीलोन को हम क्या कहते हैं, टर्टल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? टर्टल कहते हैं। टेस्टुडो को हम क्या कह रहे हैं, टॉर्टोइस, टेस्टुडो। टर्टल जो है वो शायद वाटर में रहता है, पानी में। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि हेमीडेक्टाइलस, क्या है, वॉल लिजर्ड। क्या है? वॉल लिजर्ड को हम क्या कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस कहते हैं। क्रोकोडाइल, एलिगेटर भी क्या है, एग्जाम्पल है, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, जैसे कि स्नेक्स के अंदर अगर हम देखें, स्नेक्स के अंदर वाइपर, ठीक है, बुंगेरस, नाजा, कोबरा को कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टीलिया। ठीक है, इनके अंदर क्या एक खासियत होती है कि इनके अंदर खास बात क्या होती है, दे शो पेरेंटल केयर। यानी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, अभी तक जितने हमने एनिमल्स पढ़े हैं, जो हमने फाइलम्स पढ़े हैं, उनके अंदर क्या देखा गया है कि उनके जो एनिमल्स होते हैं वो सीधा एग ले करते हैं, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एनिमल्स होते हैं रैप्टिलियंस के अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। पेरेंटल केयर का मतलब क्या है कि जब अपने एग ले करते हैं तो उसका ध्यान भी रखते हैं, केयर भी रखते हैं, जब तक वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक। ठीक है, इनके जो एग्स होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है, इनके जो एग्स होते हैं दैट आर कवर्ड, इनके एग्स जो होते हैं वो होते हैं कवर्ड बाय अ शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसके बने हुए रहते हैं?
कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रहते हैं। इनकी खास बात क्या है, पेरेंटल केयर बताते हैं और इनके जो एग्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं एक शेल से और वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एनिमल्स हमने कहा सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। हमने कहा कि ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। क्या करते हैं, एग ले करते हैं। वो एग जो होता है उसको क्या होना होता है, वो पानी में तो है नहीं, अब क्या है उसको ड्राई एनवायरनमेंट में, इसी एनवायरनमेंट में वो एग ले करते हैं। उस एनवायरनमेंट में जो एग ले करते हैं उस एनवायरनमेंट से उस एग को बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक अडेप्टेशन फॉलो किया गया है, एक ऐसा फीचर को अडप्ट किया गया है जिसकी वजह से एग्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाएं, ठीक है। तो उसके बाहर की तरफ एक कवरिंग बन जाती है, हार्ड कवरिंग बन जाती है, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, शेल कह रहे हैं। और वो शेल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, थोड़ा सा पोरस होता है जिसमें कि केवल गैसेस एक्सचेंज ही हो पाता है। तो ये क्या है, इवोल्यूशनरी, ये एक टाइप का बिहेवियरल अडप्टेशन है। अडप्टेशन कि जब टेरिस्ट्रियल अडप्टेशन है ये, कि पहले तो ये पानी में रहते थे, पानी में तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर उनको टेरिस्ट्रियल में रहने के लिए यहां पर उन्होंने एक अडप्टेशन, एक अडप्टिव किया एक फीचर को, वो इसलिए किया ताकि कि एग जो है वो डेसिकेट होने से बच जाए, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से क्या हो जाए, बच जाए। उससे बचने के लिए क्या किया गया, कैल्शियम कार्बोनेट का कवर बनाया गया। यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो एग होते हैं, ऐसे एग्स को हम क्या कहते हैं, क्लीडोइक एग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीडोइक एग कहते हैं। ये कौन से एग हैं, क्लीडोइक एग्स हैं। आ रही बात समझ में, तो ये है रेप्टिलिया के बारे में, दैट इज ईयर, इसके अंदर टिम्पैनिक मिडिल ईयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईयर पिन्ना जैसे हमारे ऐसे खुले हुए ऐसे नहीं है, ठीक है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं एवीज, क्लास एवीज पढ़ने वाले हैं। क्या है, क्लास एवीज पढ़ने वाले हैं। एवीज का क्या मतलब है, एवीज वो है जो उड़ने वाले एनिमल्स, क्या है, उड़ने वाले एनिमल्स को हमने किस कैटेगरी में रखा है, किस क्लास में रखा है, एवीज के अंदर रखा है, ठीक है। ये जो एवीज वाले एनिमल्स हैं ये फ्लाई कर सकते हैं, ज़्यादातर जो हैं मोस्टली जो हैं वो क्या है, फ्लाइंग। जितने भी जो बर्ड्स हम यहाँ पर रखेंगे, बर्ड्स जितनी भी जो बर्ड्स हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, एवीज के अंदर आएंगी। आ रही बात समझ में, यहाँ पर इनका जो ओरिजिन है वो जोरासिक पीरियड है। इनका ओरिजिन कब हुआ था, जोरासिक पीरियड के अंदर इनका ओरिजिन हुआ था। कब हुआ था, जोरासिक पीरियड के अंदर इनका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। एक साइंटिस्ट है इंडिया के, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो हैं ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ये साइंटिस्ट जो हैं डॉक्टर सलीम अली, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, किस पर, बर्ड्स पर इन्होंने बहुत रिजल्ट किया है। एंड वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं, है ना, वर्ल्ड में फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर रह चुके हैं डॉक्टर सलीम अली। दिस इज़ अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका जो और जितनी भी यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो क्या है, सारी की सारी एवीज के अंदर आती है। जितनी भी बर्ड्स आप अपने अपने आसपास देखते हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, एवीज क्लास के अंदर आएंगे। इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी किस में डिवाइड रहती है, इनकी बॉडी डिवाइड रहती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। इनकी बॉडी जो डिवाइड रहती है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल के अंदर डिवाइडेड रहती है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें, इनके अगर फीचर्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेदर।
यहाँ पर इनके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेदर, क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेदर. मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, मोस्टली मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई. तो जितनी भी जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादातर क्या कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, एक्सेप्ट. हर जगह एक्सेप्शन होता है. हमने कहा हम हमेशा ऑलवेज नहीं लिखेंगे, ऑल नहीं लिखते हैं, मैंने कहा मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई और एक्सेप्ट. एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच जो है वो क्या है, ऐसा बर्ड है जो कि क्या करता है, उड़ नहीं सकता है. क्या है, ऐसा है, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच भी है, पेंगुइन है, वो भी क्या करता है, उड़ नहीं सकता. देखे होंगे ना तुम लोगों ने, पेंगुइन देखा होगा, ऑस्ट्रिच जो है वो भी क्या है, उड़ नहीं सकते हैं. तो ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं. आ रही बात समझ में. दे पोजेस अ बीक, इनके पास बीक प्रेजेंट होती है, बीक जो कि माउथ पे लगी हुई रहती है आगे की तरफ, काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीक कहते हैं. जनरली खाना खाने के लिए, कोई चीज़ उठाने के लिए, कोई चीज़ को पकड़ने के लिए, क्रश करने के लिए बीक का ये यूज़ करते हैं. दे यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ लिम प्रेजेंट होंगे, टू पेयर्स ऑफ लिम हैं जो एंटीरियर, जो लिम्ब होता है एंटीरियर को हम कहते हैं फोर लिम्ब कहते हैं. एंटीरियर मतलब आगे वाला फोर लिम्ब जो कि जस्ट हेड के पास होता है, जो लिम्ब हेड के पास होता है उसे हम कहते हैं फोर लिम्ब कहते हैं. और ये फोर लिम्ब जो हैं मॉडिफाइड होते हैं, किसके अंदर, मॉडिफाइड इनटू विंग्स. ये किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं, लिम्ब्स के अंदर मॉडिफाई हो, विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं फोर लिम्ब्स. और जो इनका हाइंड लिम्ब होता है, हाइंड लिम्ब जो कि पीछे की तरफ जस्ट इसके बाद फोर लिम्ब. तो आपने पक्षी को जब कभी बैठे हुए देखा है, उसको आपने देखा होगा कि सब उसके ऊपर तो दो ही पैर हैं, दो पैर यानी कि एक ही पेयर है ना. जो एक जो दूसरा पेयर है वो किस में बदल चुका है, विंग्स में यानी कि पंखों के रूप में बदल चुका है. आ रही है बात समझ में यहाँ पर. सो यहाँ पर जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब के पास कैसा होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. हाइंड लिम्ब पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और ये हाइंड लिम्ब जो है ये क्या करता है, मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड हो जाता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग. ये मॉडिफाइड हो जाता है स्विमिंग के लिए. कुछ ऐसे बतख आपने देखी होगी, डक देखी होगी, तो उसके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, फ्लैपी पैर होते हैं उसके, है ना, ऐसे ही गद्दे बने हुए रहते हैं उनके जो पैर होते हैं, उनके बीच में स्किन्स होती है, ठीक है ना, तैरने के लिए काम आते हैं. तो मॉडिफाइड हो सकते हैं स्विमिंग के लिए, मॉडिफाइड हो सकते हैं वॉकिंग के लिए भी, क्या हो सकते हैं, मॉडिफाइड हो सकते हैं वॉकिंग के अलावा. क्लास्पिंग, क्लास्पिंग ऑफ ट्रीज ब्रांच, क्लास्पिंग के लिए भी मॉडिफाइड हो सकते हैं. क्लास्पिंग क्या होता है, दैट इज अ ऑफ ट्री, क्लास्पिंग यानी कि पकड़ना ऑफ ट्री ब्रांच. आपने पेड़ों पर भी बैठे हुए देखा होगा पक्षियों को, वो कैसे बैठती है, तो उसकी जो लिम्स हैं, जो हाइंड लिम्ब है वो ऐसे ही बने हुए रहते हैं जिससे कि वो इजीली, इसको उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, वो गिरना चाहे कितना ही पेड़ इधर उधर हिले तो वो क्या होगा, नहीं गिरेगा, ठीक है, हमारे हाथ पर भी उंगली पर भी आकर बैठ जाता है, एकदम जकड़ लेता है ना. सो वो क्या है, उसे हम, उसके जो हाइंड लिप है वो किस में मॉडिफाई हो गए हैं, क्लास्पिंग में, क्लास्पिंग ऑफ ट्री ब्रांच. एज वेल एज स्विमिंग और वॉकिंग के लिए भी क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं. डिपेंड करता है कि वो रहा रहता कैसे है, कौन सा स्पीशीज है, सभी में ऐसा नहीं होता है, कुछ स्विमिंग कर पाते हैं, कुछ वॉक कर पाते हैं. आ रही है बात समझ में, ठीक है. अब यहाँ पर स्किन जो होती है, स्किन पर, इनकी स्किन पर क्या होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. क्या होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. और ये ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं. क्या होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं. और ये ऑयल ग्लैंड्स जो हैं, इन ऑयल ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, नोन एज प्रीन ग्लैंड्स. इनको हम क्या कहते हैं, प्रीन ग्लैंड्स हम इसे कहते हैं. क्या कह रहे हैं, प्रीन ग्लैंड्स हम इसे कहते हैं. क्या कह रहे हैं, प्लीन ग्लैंड्स.
यहाँ पर केवल एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो भी कौन सी? ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ टेल, एट द, और ये जो ऑयल ग्लैंड होती है कहाँ होती है? एट द बेस ऑफ टेल पर प्रेजेंट होती है ये ऑयल ग्लैंड। ये बेसिकली क्या करती है? ये ऑयल ग्लैंड जो है, जो फेदर्स हैं उसको लुब्रिकेट करने का काम करती है, क्योंकि ये उड़ती है, ड्राई ना हो जाए, इसलिए ये ऑयल ग्लैंड्स क्या करती हैं? उसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा होता है? यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करने वाले हैं कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है? बोनी होता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन कैसा होता है? बोनी होता है। यहाँ पर लॉन्ग बोन्स जो हैं वो कैसी होती हैं? आर होलो। कैसी होती हैं? होलो यानी कि खोखली होती हैं, इन विच एयर इज प्रेजेंट, जिसके पास एयर फिल्ड रहती है, एयर फिल्ड, इन विच एयर इज फिल्ड, क्या होती है? एयर फिल्ड होती है इनके पास। सो लॉन्ग बोन्स कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं, और जिनके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? एयर भरी हुई रहती है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? एयर कैविटी। क्या कह रहे हैं? एयर कैविटी यहां पर प्रेजेंट है, एयर कैविटी। आ रही है बात समझ में? और ऐसी बोन्स को हम क्या कहते हैं जिनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है? ऐसी बोन्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती हैं? एयर कैविटी प्रेजेंट रहती है, या ऐसी बोन्स जो एयर फिल्ड होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। सच बोन्स आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पर एक खास बात निकल के आती है कि उनके पास पंख हैं, वो उड़ पा रहे हैं। ठीक है, वो उड़ किस वजह से पा रहे हैं? उनको एक उड़ने के लिए क्या चाहिए? अब बताओ, किसी चीज़ में अगर मैं वजन ज़्यादा डाल दूंगी तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। ठीक है, उसके वजन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी चीज़ का अगर वजन कम करना हो तो उसमें एयर डाल दो। बलून्स में क्या होता है? बलून को उड़ते हुए देखा है? बलून ऐसे ही पड़ा हो तो नहीं उड़ेगा, लेकिन अभी मैंने उसकी हवा भर दी, हमने उसको फुला दिया हवा भर के, तो क्या होता है? उड़ने लग जाता है। तो यानी कि वो लाइट वेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? लाइट वेट हो जाता है एयर फिल्ड करने से। तो यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म फॉलो होता है कि ये जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो उड़ क्यों पा रही हैं? उसके पीछे अडेप्टेशन ये काम करता है कि वहाँ पर, अब हम क्यों नहीं उड़ पा रहे? हमारा तो वजन इतना, हमारे पास भी तो बोन्स हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं उड़ पा रहे। क्यों? अगर हमारे फेदर्स भी लगा दोगे तो भी हम नहीं उड़ पाएंगे। क्यों नहीं उड़ पाएंगे? क्योंकि हमारा वेट हमारा इतना है कि हम उसे बेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो बोन्स हैं, इनकी बोन्स जो है, लॉन्ग बोन्स जो है, वो कैसी होती हैं? होलो होती हैं, एयर कैविटीज़ वहाँ पर प्रेजेंट होती है, यानी कि एयर क्या कर रही है? कैविटी फॉर्म कर रही है, एयर कैविटी फॉर्म कर रही है। और ऐसी बोन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। बेसिकली ये क्या करती है? इट हेल्प्स इन फ्लाइंग, हेल्प्स इन ये क्या करती है? फ्लाइंग में हेल्प करती है। दिस मेक द बॉडी लाइट इन वेट एंड हाफ एंड हेल्प इन फ्लाइंग। ठीक है, बॉडी वेट को हाफ कर देती है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो उड़ पाती हैं। ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें दो एडिशनल चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम टू कंप्लीट होता है, लेकिन टू एडिशनल चैम्बर्स क्या होते हैं? टू एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, टू एडिशनल चैम्बर्स यहां पर होते हैं। एक तो होता है गैजर्ड।
क्या होता है, एक तो होता है गिजर्ड है और एक है क्रॉप। क्रॉप और गिजर्ड, एक तो क्या है क्रॉप है और एक है गिजर्ड है, ठीक है। ये दो एडिशनल जो चैम्बर्स हैं इन दोनों का कोई स्पेसिफिक वर्क है। क्रॉप क्या करता है, क्विक फूड इंजेक्शन का काम करता है, फूड को क्विकली इंजेक्शन का काम करता है, क्विक इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को क्या करता है क्विक इंजेक्शन का काम करता है दिस, और स्टोरेज का भी काम करता है क्रॉप। क्रॉप क्या कर रहा है, क्रॉप ये कर रहा है कि क्विक फूड को क्विकली उठाने का, इंजेस्ट करने का काम करता है, एज वेल एज स्टोरेज का भी काम करता है। बर्ड्स को कभी देखा होगा दाना चुगते हुए, वो चुगती जाती है। तो बेसिकली क्रॉप ये एक एडिशनल चैम्बर है कि वो इंजेस्ट करने का काम एक जगह स्टोर करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेस्ट करने का काम, क्रशिंग का काम क्या करता है, गिजर्ड, क्रशिंग द फूड, क्योंकि इनके पास दांत तो होते नहीं है, बीक ही देखिए दांत रहते हैं इनके पास, नहीं टीथ नहीं देखे ना, तो ये वो काम कौन कर रहा है, गिजर्ड कर रहा है, ठीक है। क्रॉप एंड गिजर्ड, क्रॉप तो स्टोरेज कर रहा है, खाना लेता जा रहा है, मुंह में भरता जा रहा है क्रॉप के अंदर, और गिजर्ड क्या कर रहा है, क्रशिंग द फूड, फूड को क्रश मैस्टिफाई करने का काम कर रहा है गिजर्ड। यहाँ पर जो हार्ट है वो कैसा होता है, फोर चैम्बर हार्ट होता है। जब हमने पिछला रेप्टीलिया पढ़ा था तो रेप्टीलिया के अंदर क्या था, थ्री चैम्बर था, और क्रोकोडाइल जो है सबसे लास्ट में जो क्लास जो ऑर्डर है वो क्रोकोडिलिया की है, और क्रोकोडिलिया के अंदर क्या है, फोर चैम्बर हार्ट होते हैं। तो एवीज के अंदर जो हार्ट है वो कैसा है, फोर चैम्बर, यहाँ से ऑनवर्ड्स, एवीज से ऑनवर्ड एवीज फोर चैम्बर हार्ट होता है। आ रही है बात समझ में, फोर चैम्बर्ड यहाँ पर हार्ट होता है, ठीक है। ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये है कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, वो बॉडी के टेम्परेचर सराउंडिंग से चेंज होता जाता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो। आपने देखा होगा कि जो पक्षी हैं बर्ड्स है, सर्दी हो गर्मी हो, वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। हम तो ऐसे हैं कि गर्मी है तब भी दुबक के बैठे और सर्दी है तो भी दुबक के अंदर बैठे हैं, लेकिन इनके अंदर क्योंकि हम भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, एज वेल एज एवीज का टेम्परेचर भी क्या रहता है, कांस्टेंट यहाँ पर रहता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर लंग्स ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में, सेक्सेस आर सेपरेटेड होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। अगर घर में अगर किसी को एवीज के कैरेक्टर्स याद करने हैं तो आप अपने घर में चिड़िया को देखा ही होगा, चिड़िया ने सबके घर में अंडे दिए होते हैं, ठीक है, चिड़िया ने सबके घर में अंडे, अंडे से क्या निकलता, सीधा चूजा ही निकलता है ना, चूजा ही तो निकलता है, वो चिक एम्ब्रियो जिसको हम कहते हैं चिक निकलती है, ठीक है। सो दैट इज़ अ, और वो बिल्कुल किसके जैसा दिखता है, एडल्ट की तरह दिखता है, तो हम इसलिए उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, कि डेवलपमेंट में लार्वा नहीं बनता है वहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। आ रही है, इवन रेप्टीलियास और एवीज के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, एम्फीबिया के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा था, रेप्टीलिया से लेकर के मैमल्स तक क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, सेक्सेस आर सेपरेटेड होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स हैं सारी बर्ड्स जो हमने देखी हैं वो क्या है, जैसे कि कॉर्वस, कॉर्वस क्या है, क्रो, एग्जाम्पल क्या है, कॉर्वस है ना, कॉर्वस। एक है पेवो क्रिस्टेसिस, पेवो क्या है,
पे वो है पिकॉक, हाँ मोर पिकॉक, हाँ उड़ता है, उसके पास पंख है लेकिन वो इतनी अच्छी फ्लाइट नहीं करता, बट उड़ता है, उड़ता है काफ़ी ऊंचाई तक, थोड़ा बहुत उड़ता है, ठीक है ना, लेकिन वो एकदम फ्लाइट इतनी लंबी फ्लाइट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं, पंख का वजन इतना ज़्यादा होता है कि वो इतना ज़्यादा फ्लाइट नहीं कर पाता, लेकिन वो एक हाँ उड़ सकता है, कुछ दूरी पर उड़ सकता है, कुछ हद तक उड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पंख भी होते हैं, ठीक है। अब इसके अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इसके, अगर ये पहले उतार लो, देखो इनके अंदर भी पैरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, हमने कुछ एग्जाम्पल देख लेते, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल तो हमने कहा था कॉर्वस, ठीक है, कॉर्वस का क्या था, क्रो, एक है कोलंबिया, ठीक है, क्या है, कोलंबा पिजन, हैं साइंटिफिक नेम है, हाँ ये लो अंडरलाइन कर लिया, सारे पे वो भी क्या है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है, कॉर्वस भी साइंटिफिक नेम है, कॉर्वस साइंटिफिक नेम है, पे वो भी साइंटिफिक नेम है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और है एनिमल है जिसका नाम है कोरियोटिस नाइग्रेसिप्स, कोरियोटिस नाइग्रो, स्पेलिंग सही है ना, हाँ कोरियोटिस नाइग्रेसिप्स, ये जो कोरियोटिस नाइग्रेसिप्स जो नाम है बड़ा ही अजीब नाम है, लेकिन ये तुम्हारी जनरल नॉलेज बढ़ाएगा, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, इसे हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या कह रहे हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान में इसे गोडावण कहते हैं, हिंदी में ही लिखूंगी गोडावण, क्या कहते हैं, गोडावण कहते हैं, नाम सुना है गोडावण का, ये हमारे राजस्थान का, ये क्या है, राजस्थान का स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का स्टेट बर्ड है, तो एनिमल क्या है, स्टेट एनिमल पता है क्या, स्टेट एनिमल वो तो है इंडिया का है, तो स्टेट एनिमल जो है वो है कैमल, ऊंट, राजस्थान का जहाज, आ रही बात समझ में, तो इसे हम क्या कहते हैं, गोडावण कहते हैं, अंग्रेजी में इसे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, और ये क्या है, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, ठीक है। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, इसे हम कहते हैं फ्लाइंग लिजर्ड, इसे हम कहते, ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लाइंग लिजर्ड, और यू कैन से द लिजर्ड बर्ड, ये ऐसी बर्ड है जो कि लिजर्ड की तरह दिखती है, इसके पास पंख हैं, इसे हम कहते हैं, ये है कनेक्टिंग लिंक, मैंने बताया था पहले भी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रैप्टिलिया एंड एवीज, क्यों है ये कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि इसके पास रैप्टिलिया के कुछ फीचर है
और साथ ही साथ एवीज के भी फीचर हैं। एवीज का फीचर क्या है कि इसके पास फेदर्स हैं, रेप्टिलिया के पास, रेप्टिलिया का टेल है, रेप्टिलिया में जनरली टेल्स प्रेजेंट होती है, तो इनके पास टेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये है आर की ऑप्टारिक्स जो है, दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टिलिया एंड एवीज। आ रही बात समझ में? तो अभी हमने इस लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा मैमल्स का। ठीक है, हाँ नहीं है तभी तो इसको बनाया, राज्य पक्षी बनाया है इसको, क्योंकि गोडावण जो है एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। क्या होने की कगार पे? एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। एक इसका फीचर और है कि इनके अंदर एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट, इनके अंदर एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एवीज का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, मैमल्स। लास्ट हमारा जो टॉपिक है मैमल्स का है। ठीक है।